दोस्तों अगर आप भी ऋषभ पंत को एक बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों क्रिकेट प्रेमियों के लिए बेहद ही बड़ी खुशखबरी सामने आ चुकी है क्योंकि अब जल्द ही भारत और न्यूजीलैंड के बीच में 3 सीरीज खेली जाएगी। ये सीरीज कब और कहां खेली जाएगी ये तो हम आपको बताएंगे ही बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि न्यूजीलैंड दौरे पर भारतीय टीम का कप्तान किस खिलाड़ी को बनाया जाना चाहिए, विराट कोहली या फिर रोहित शर्मा? इस बात का जवाब हमें नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं भारत और न्यूजीलैंड के बीच में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का महामुकाबला साउथहैम्पटन के रोज बाउल स्टेडियम में खेला गया। वैसे तो कप्तान विराट कोहली के पास ये आईसीसी ट्रॉफी जीतने का बेहतरीन मौका था, लेकिन भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने टीम मैनेजमेंट और करोड़ों भारतीयों की उम्मीदों पर पूरी तरह से पानी फेर दिया। लेकिन अब जल्दी भारत और न्यूजीलैंड के मैच एक बार फिर से लोगों में खुशी का कारण बन गए हैं क्योंकि दिसंबर के महीने में न्यूजीलैंड की टीम भारत का दौरा करेगी। आपको बता दें कि अक्टूबर के अंत में 14 नवंबर तक T20 वर्ल्ड कप मैच खेले जाएंगे, जबकि उसके बाद कुछ दिन के अंतराल में न्यूजीलैंड की टीम भारत का दौरा करने वाली है। आपको बता दें कि पहले तो न्यूजीलैंड और भारत के बीच में 3 मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जाएगी और भारत के पास मौका होगा न्यूजीलैंड को इन दोनों मैचों में हराकर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का बदला लेने का। वैसे तो टीम के ऊपर कहीं ना कहीं दबाव होगा क्योंकि जब भारतीय टीम ने अंतिम बार न्यूजीलैंड के साथ में टेस्ट मैच खेले थे तो न्यूजीलैंड की टीम ने भारत को 2-0 से मात दी थी। उसके बाद दिसंबर में 5 मैचों की वनडे सीरीज भी खेली जाएगी। आपको बता दें कि ये 5 मैच मुंबई, हैदराबाद, दिल्ली, गुजरात और चेन्नई के मैदान पर खेले जाएंगे। इसके साथ ही खुशी की बात तो ये रही कि दोनों के बीच में 3 मैचों की T20 सीरीज भी रखी गई है जिसमें काफी ज्यादा रोमांच आने वाला है। आपको बता दें कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच में सीरीज का पहला T20 मुकाबला मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में शाम 7 बजे से खेला जाएगा। इस मैच का सीधा प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स पर किया जाएगा और अगर आप इसकी लाइव स्ट्रीमिंग देखना चाहते हैं तो हॉटस्टार के जरिए जुड़ सकते हैं। आपको बता दें कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच में जब भी T20 क्रिकेट खेला गया न्यूजीलैंड की टीम ने हमेशा ही भारत के ऊपर अपनी पकड़ बनाए रखी, तो कहीं ना कहीं भारतीय टीम के ऊपर थोड़ा दबाव जरूर होगा जिसकी वजह से BCCI न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाली सीरीज में कोई भी ढिलाई नहीं करना चाहती और हो सकता है कि विराट कोहली की जगह रोहित शर्मा T20 मैचों में कप्तानी करते हुए नजर आए। लेकिन जिस तरह से भारतीय टीम में लिमिटेड ओवर्स फॉर्मेट में खिलाड़ी मौजूद हैं, उन्हें देखकर तो यह कहना पूरी तरह से गलत नहीं होगा कि भारतीय टीम न्यूजीलैंड को लिमिटेड ओवर्स में आसानी से हराने का मादा रखती है। वैसे तो टीम के अहम खिलाड़ी रोहित शर्मा, विराट कोहली, ऋषभ पंत और केएल राहुल जैसे खिलाड़ी इस सीरीज में खासा जिम्मेदारी के साथ खेलते हुए दिखाई देंगे क्योंकि भारतीय फैंस के साथ ही टीम मैनेजमेंट भी भारतीय टीम की गलतियों को बार बार बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करना चाहता। लेकिन दोस्तों आप सभी को क्या लगता है कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच में होने वाले मैचों में किस खिलाड़ी को कप्तान बनाया जाना चाहिए, रोहित शर्मा या फिर विराट कोहली? इस बात का जवाब हमें नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा।